प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब की नई वीडियो पे। जैसे कि आपने यूट्यूब का थंबनेल, इस वीडियो का थंबनेल देखकर आपको मालूम चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है। आज मैं आपको एक गुड न्यूज बताना चाहता हूँ कि आज ही संडे की मीटिंग में परमेश्वर के दास ने अनाउंस किया, अपोस्टल अंकुर योसुन दुरुला जी ने एक गुड न्यूज को शेयर किया कलीसिया के साथ, लोगों के साथ, कि हफ्ते के अंदर ही वो लोगों के घरों में विजिट करना शुरू करेंगे। हालेलुया, आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है, मेरे लिए, आपके लिए। अब परमेश्वर के दास हमारे घरों में आया करेंगे, हमसे बात किया करेंगे, हमारे मसलों को सुना करेंगे। लेकिन ये किन लोगों के लिए होगा, वीडियो में जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर के दास ने बताया कि वो किन के लिए होगा। अगर आपका चर्च मेंबरशिप कार्ड नहीं बना तो ये सुविधा आपके लिए नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के दास आपके घर में विजिट करें तो आपको कार्ड मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा। वो कार्ड बिल्कुल फ्री बनता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। आपको सिर्फ चर्च में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स देखकर, मीटिंग के अलावा किसी दिन में जाना है, मीटिंग वाले दिन आप जा सकते हैं, उनसे क्वेरीज हल कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस जो पूछने हैं आपको, जो डाउट है क्लियर करके उन्हें पूछो कि हमने कार्ड बनाना है। रिसेप्शन पे जाके वो आपके प्रूफ मांगेंगे, आपको अपने प्रूफ देने हैं, वो कार्ड आपको मिल जाएगा, आपको वो कच्चा कार्ड बना के दे देंगे और कुछ महीनों में आपका पक्का कार्ड भी आपको मिल जाएगा। फिर आप इस सुविधा का फायदा उठा पाएंगे। हालेलुया। तो याद रखो, परमेश्वर के दास ने बोला कि ये कार्ड मेंबरशिप जो है, जो आपका एक फायदा कराएगा, जब आप परमेश्वर के दास से बात करेंगे, जब वो आपसे बात करेंगे, वो आपके मसलों को सुनेंगे, आपके मसलों को हल करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे आपके लिए। और हमारा विश्वास है कि आप सेम नहीं रहने वाले। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस ब्लेसिंग का फायदा ले सको तो आपको चर्च मेंबरशिप कार्ड बनाना है। अगर आप दूर हैं, आप जल्दी नहीं आ सकते, तो आप फोन पर उनसे बात कर सकते हैं। चर्च प्रेयर टावर के नंबर पर जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर कॉल कर सकते हैं और उससे उनसे सब अपनी बातचीत कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या प्रूफ लगेंगे। आपको किसी दिन एक दिन आना पड़ेगा चर्च में, आकर अपने उस कार्ड की मेंबरशिप लेकर आप जा सकते हैं। और आपके आपको वही नंबर देना है जिस पर आपको कॉल आए, क्योंकि वो कॉल आएगी फिर आपको वीडियो कॉल पे लिया जाएगा। परमेश्वर के दास ने बोला कि वो वीडियो कॉल पर होगी, बाकी आप इस वीडियो में सुन सकते हैं खुद जो परमेश्वर के दास ने क्या अनाउंसमेंट किया, कैसे कैसे होगा, आप इस वीडियो को सुन। जिनके पास चर्च के कार्ड हैं, जिनके कार्ड बने हुए हैं चर्च के, बहुत जल्दी जो विजिट्स हैं आपके घरों में स्टार्ट हो जाएंगे। और जरूरी नहीं चल के आपके घर में आया जाए। आजकल अगर आपने किसी डॉक्टर से बात करनी, वो ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं। मेरा जिम का ट्रेनर ऑनलाइन मुझे सिखाता है। तो आपका नंबर आपका ऑन होना चाहिए, जो नंबर आपने कार्ड में लिखाया हुआ है। तो जो टीम को मैंने ट्रेंड किया है वो आपको वीडियो कॉल करेगी, आपकी पूरी फैमिली के साथ बात करेगी। जिस तरह मंगलवार को आप चर्च में आते हैं, आप अपना केस बताते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, आपको काउंसलिंग मिलती है, वचन के बीच से आपको उसका हल बताया जाता है। अगर आपका केस उनसे हल नहीं होता तो वो केस सीधा मेरे पास आता है। उसी तरह से वीडियो कॉलिंग में होगा, आपके पूरे परिवार के साथ बात की जाएगी, आपकी प्रार्थना कितनी है, कितनी प्रेयर आप करते हैं, कैसे करते हैं, आपकी लाइफ कैसे चल रही है, आप चर्च में आते हैं कि नहीं आते, कम रेगुलर आते हैं कि नहीं आते, आपकी प्रेयर लाइफ कैसी है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, दिक्कत होगा क्या हो रहा है, सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। और अगर फिर भी आपको तसल्ली ना हुई तो वो टीम जो आपको वीडियो कॉल कर रही है वो मेरे साथ आपकी मीटिंग को फिक्स करेगी और मामला फिक्स कर दिया जाएगा। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए अगर आपका नंबर चेंज हो चुका है जो कार्ड पे आपने लिखाया था, तो आपको फोन करके अपना नंबर अपडेट करवाना है कि मेरा नंबर चेंज हो गया था, अब ये मेरा नया नंबर है। क्योंकि उसी नए नंबर के ऊपर आपको वीडियो कॉल जो है वो आनी शुरू हो जाएगी और आपको मालूम हो जाएगा कि जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हो चर्च में, परमेश्वर ने उसकी वजह से आप ही को ब्लेस किया है और नए रास्तों को खोला है।
तो चर्च में एक भी जन ऐसा नहीं होगा जिसका कार्ड बना होगा, जो मेंबर होगा चर्च का, और हमें मालूम नहीं होगा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर वो मुश्किलों में है, नशे में है, ट्रबल में है, प्रॉब्लम में है, उसके लिए प्रेयर की जाएगी। अगर उसकी कोई इमरजेंसी प्रेयर है, उसे प्रेयर माउंटेन पे जहां 24 घंटे प्रार्थना चलती, हर 2 घंटे बाद ले हैंड होता है। अभी भी संडे अगर आप यहां पे बैठे हैं और अगर आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रेयर माउंटेन पे भेजा हुआ है, अभी भी उस पर ले हैंड हो रहा होगा। तो वो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रेयर माउंटेन भेजेगी। अगर उनको लगता होगा कि ये केस मुझसे मिलाना जरूरी है, अगर आप उनसे बोलेंगे कि हमें कोई खास चीज ऐसी है जो मुझसे मिलना जरूरी है, तो वो आपकी मीटिंग मेरे साथ फिक्स भी करेगी। तो ये आपके लिए बरकत होगी और मैं भी आपसे मिल सकूंगा तो मजा आएगा। हालेलुया। जब भी कलीसिया ने प्रार्थना करने के लिए अपने घुटने लगाए हैं, परमेश्वर ने रास्तों को खोला है, हेवन को ओपन किया है। जैसे कि आपने अभी सुना ही खुद ही परमेश्वर के दास के मुख से, तो मेरा विश्वास है ये वीडियो ने आपको ब्लेस किया है। अगर आप नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब ब्लेस हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदा बना आपके साथ है। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।